इस दिन के उत्ते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंचने लिए बहुत बहुत धन्यवाद सारिया का, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले साल 10 मार्च को विधानसभा के चोणों के रिजल्ट आए सी और भारी बहुमत के नाल पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई पंजाब के अंदर बनी सी। पिछला बजट असी जून च पेश किया सीगा और ये जिहड़ा बजट आ मैं समझदा पूरा पूरे साल का बजट असी पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेश किया गा। इस बजट दे विच टोटल बजट एक्सपेंडिचर आ जिवें विधानसभा के अंदर दस्या कि 1,96,462 करोड़ रुपए का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,23,441 करोड़ रुपए, कमिटड एक्सपेंडिचर 74,620 करोड़ रुपए, कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,782 करोड़ रुपए, रेवेन्यू डेफिसिट 23,161 करोड़ रुपए 3.82, फिस्कल डेफिसिट 4.98, इफेक्टिव आउटस्टैंडिंग डेट जिहड़ा हैगा वो 3,27,051। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस बरे दौरान पंजाब के अंदर आम आदमी क्लीनिकों की शुरुआत की जिन्हों की गिणती आज जिहड़े काम कर रहे हैं गे वो 504 आ और 142 के उत्ते मैं समझदा काम हो रहा बड़े जल्दी जिहड़े ने पंजाब के लोगों को समर्पित किए जाएंगे। इन्हां महला क्लीनिकों के अंदर 10,50,000 तो बधेरे लोगों ने अपना OPD के राही इलाज करवाया और 1,00,000 तो बाद जिहड़ा वो लैब के वक्-वक् टैसट जिहड़े हैगे ने वो लोगों के किए गए। इस तो बिना 26,797 नौकरियां सरकार वालों सरकार के अंदर और वक्-वक् सरकारी एजेंसियों के अंदर पंजाब के नौजवानों को प्रदान की गई नियुक्ति पत्र जिहड़े ने दिते गए। और तीसरा मैं समझदा बड़ा साडा वादा सी, ये साडे वादियां दी मैं गल कर रहा, गरंटियां दी गल कर रहा, जिहड़े आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने तो पहला इलेक्शन के समय समुचे पंजाबियों के नाल पंजाब के लोगों के नाल कीते सी कि असी आम आदमी पार्टी महला क्लीनिक खोलांगे, सॉरी आम आदमी क्लीनिक खोलांगे, असी पंजाब के अंदर बच्चों को नौकरियां देवांगे, असी पंजाब के अंदर 300 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त बिजली हरेक घरेलू मीटर दे देवांगे। ये भी वादा असी बिल्कुल विद इन ए ईयर पहले साल दौरान ही पूरा किया। अज पंजाब के लगभग 90% पंजाब के 90% लोगों के घर के बिजली के बिल अज जीरो पंजाब के अंदर आ रहे। एक बड़ी जी मैं समझना गरंटी सी पंजाबियों ने दिती सी जी असी वो पहले साल पूरी की। नौकरियां देने का काम, महला क्लीनिक खोलने का काम और पंजाब के अंदर नवी माइनिंग पॉलिसी असी लैके आएंगे। पब्लिक दे लई माइन जड़े ने गे वो पंजाब के अंदर खोले गए ने गे 6%। इस तो अलावा 6% DA की किस्त जिहड़ी कि मुलाजमान की सीगी वो 20 अक्टूबर 2022 असी दिती जाएगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दी सिफारिशों के मुताबक पे स्केल दिता गया। और दूसरा जुडिशरी के अंदर सैकंड नैशनल जुडिशरी पे कमीशन से जिहड़ा वो पंजाब के अंदर लागू किया गया जिहड़ा कि 2016 तो पेंडिंग पिया सी, 2016 तो पेंडिंग पिया सी, इहदे उत्ते भी लगभग 1,150 करोड़ रुपए का जिहड़ा एक्सट्रा बर्डन पिया गया। इस तरह जिहड़ियां सेंटर स्पोंसर्ड स्कीमां होंदियां नेगियां उन्हां दे लगभग 1,750 करोड़ रुपए बकाए पे सी, वो राशि जिहड़ी आ जारी की गई। पंजाब
एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट बैंक जिहड़ा कि मैं समझदा किसानां नूं कर्जे देण लई किसानां दे लई रीढ़ दी हड्डी आ, उहदे लई 885 करोड़ रुपए, पनसप लई 300 करोड़ रुपए, पंजाब एग्रो लई 231 करोड़ रुपए, मिल्क फैड लई 36 करोड़ रुपए, शुगर फैड लई 400 करोड़ रुपया, ये जिहड़ा असीं इस साल पंजाब दे जिहड़े साडे लोक सी जिहड़ियां साडियां सी अपनी इंस्टीट्यूशन सी उहनां नूं जारी कीते। इस तों बिना जिहड़ा साडा मालिया जिहड़ा मैं जिक्र कीता सी जदों बजट पेश कर रहे सी कि मालिया किन्ना वधिया, स्टेट एक्साइज पंजाब दे अंदर जिस एक्साइज की पॉलिसी नूं लैके आपोजिशन धिरां कदे माननीय गवर्नर साहब नूं मिलदियां ने, कदे किते जांदियां ने, कदे किते घुमदियां ने, क्योंकि पहली बार पंजाब दे अंदर शराब माफिया नूं बुरी तरह तहस नहस किया गया, शराब माफिया का लक तोड़िया गया, जिहड़ियां पार्टियां सत्ता तो बाहर ने उन्हां द्वारा चलाए स्थापित किए शराब माफिया नूं पंजाब दे अंदर जे तोड़िया गया तो पहली बार होया कि 45% का स्टेट एक्साइज दे विच जिहड़ा वो वाधा होया। इसे गल करके कोई ना कोई बहाना बना के उस माफिया दे राही उस माफिया नूं प्रोटैक्ट करन दे लई अपने बंदियां नूं प्रोटैक्ट करन दे लई गवर्नर साहब नूं और होर जगह ते जाके मिसगाइड झूठा प्रचार जिहड़ा कीता जा रहा, पर मैं बड़े दावे दे नाल कहिंदा कि 45% का वाधा होया गा। इस तों बिना नॉन टैक्स रेवेन्यू दे विच 26% का स्टेट की GST दे विच 23% का स्टैंप्स एंड रजिस्ट्रेशन दे विच 19% का टैक्स एंड टैक्स ऑन वहीकल दे उत्ते 12% का, सो रेवेन्यू रिसीट जिहड़ियां नेगियां वो 23-14 जिहड़ी सानूं उम्मीद आ कि वो लगभग इस साल 98,852 रहन दी उम्मीद आ जी। सो पहली बार होया कि असी एक नवीं स्कीम भी मैं अनाउंस कीती आ सी कि बिल लियाओ इनाम पाओ, बिल लियाओ इनाम पाओ दा मतलब यह आ कि जदों कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ खरीददा गा, मान लो मोबाइल खरीददा गा, वो दुकानदार तो बिल लैंदा गा, बिल लैण तो बाद साडे सरकार दे पोर्टल ते जांदा गा, पंजाब दे टैक्स कोल जांदा गा, उत्थे जाके अपने बिल नूं रजिस्टर कराउंदा गा। जेकर वह बिल फर्जी होया, जेकर GST पे ना किया गया तो उस सैलर के खिलाफ जिन्हें वस्तु बेची आ उहदे खिलाफ़ कार्रवाई की जाऊगी, जेकर वह सही होया तो असी उस करदातावां नूं बनदा योग इनाम देवांगे, तां कि इस दे नाल मैं समझदा जिहड़ी किते चोरी हो रही आ वो चोरी का खात्मा होवे और टैक्स जिहड़ा हैगा इमानदारी दे नाल सरकार दे खजाने दे विच आवे। सो हुण मैं जे पड़ावार गल करां तो एग्रीकल्चर दे खेत्र दे अंदर पिछले साल 11,500 करोड़ सीगा, इस साल 13,888 करोड़ रुपए, 20% का वाधा। एजुकेशन स्कूल एंड हायर एजुकेशन दे दौरान पिछले साल 15,249 सीगा, इस साल 17,072 करोड़ रुपए, 12% का वाधा। सोशल वेलफेयर सोशल जस्टिस 7437 सीगा, 8678 करोड़ रुपए, यानी कि 17% का वाधा। इंडस्ट्री एंड कमर्स के अंदर 3163 सीगा, इस बार 3751, 19% का वाधा। स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर खेडा वतन पंजाब मानयोग मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई होइयां सी, बहुत भरमा हंगारा पंजाबियों ने पंजाब के नौजवान दिता गया, सो उस देखते हुए पिछली बार 166 करोड़ रुपया सीगा तो इस बार 258 करोड़ रुपया, यानी कि 55% का वाधा। इंप्लायमेंट जनरेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर 170 करोड़ रुपए सी पहला, इस बार 231 करोड़, यानी कि 36% का वाधा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पिछली बार 4249 सीगा, सो इस बार 4781 करोड़ रुपए, 11% का वाधा। पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर पहला 9449 करोड़ रुपए सीगा, इस बार 10523 करोड़ रुपए, 11% का वाधा।
फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर के पिछली बार 1449 सीगा, इस बार 1580 11% का वाधा। सो इस तरह टैक्नीकल एजुकेशन 615 6% का वाधा। सो मेरा कहने का भाव लगातार सरकार ने जिहड़ा हैगा सारे खेत्रां दे अंदर बजट बधा के पेश कीता गा। सो इस तो बिना पावर दे खेत्र दे अंदर होर बहुत सारे खेत्रां दे बहुत सारे बड़े जिहड़े सुधार नेगे। और इंपॉर्टेंट जिहड़ी गल आ कि आम आदमी पार्टी दूसरे साल दी सरदार भगवंत सिंह मान जी दी अगवाई दे अधीन शुरुआत कर रही आ, जित्तियां नूं भी 1 साल हो गया और बजट भी जिहड़ा अज पेश कीता गा दूजे साल की शुरुआत हुई आ। सो बगैर कोई टैक्स लाए, बगैर कोई नवा टैक्स लाए पंजाब के लोगों के उत्ते ना पहले बजट सैशन के दौरान ना दूजे बजट के अंदर एक भी नवा टैक्स लाए तो बिना पंजाब के अंदर असी जिहड़ा हैगा ये बजट पेश कीता गा। सो मैं समझदा है जिहड़ा बजट सीगा वो पंजाब का लोक पक्षी बजट हैगा और इमानदारी की झलक जिहड़ी आ वो तुहानू देखण मिली आ। और करप्शन के अगेंस्ट भ्रिष्टाचार के अगेंस्ट इस तरह जंग जिहड़ी आ वो सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के अधीन लगातार जारी रहेगी और करप्शन नू जड़ तो खत्म करांगे। पंजाब के अंदर एक ईमानदार राज जिहड़ा वो स्थापित करना, एक रंगला पंजाब बनाउणा वो सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जो बीड़ा चुकिया गा उहनू असीं पूरा करांगे। देखो मैं दोहरा रहा कि 45% जिन्ना टारगेट मिथ्या सी बेशक वो तो घट हुआ पर 45% ये कोई थोड़ा वाधा नहीं हैगा। जे मैं पिछलियां दा जिक्र करा कले कले दा तुहानू मैं दस देना कि पिछले समय की सीगा, इहदे च 45% दा वाधा होया गा पिछला पिछले समय दौरान। मैं तुहानू दस दियां कि किन्ना परसेंट वाधा हुंदा जी 2007 तो लैके 2012 तक कितना वाधा होया 10%। पहले साल कितना सी 2007 तो 2008 तक 1881 नो ग्रोथ, दूसरी बार घट गया 1809 यानी 2008-09 च 2.77% घट गया, तीजी बार 16% जंप किया, चौथी बार 12 किया, फिर 16 किया, यानी कुल 5 साल 10,000 रुपया कमाया सी। और उस तो बाद 12 तो 17% तक, और तुसी देखोगे कि जे 16-17 की मैं गल करा 2016-17 की मैं गल करा तो उस समय 8.14 का घाटा पिया। उस समय पिछली बार 2015-16 4796 करोड़ रुपया सीगा और 2016-17 घट के 4406 करोड़ रुपया हो गया। इस तरह 17-18 के 18-19 घट गया, 19-20 4% घट गया। सो आ जिहड़ा असी पहली बार होया गा कि 6157 तो 21-22 6157 सीगा, हुण जिहड़ा वो 8800 करोड़ नूं पार कर रहा गा। सो ये बड़ा एक वाधा पहली बार नवीं एक्साइज पॉलिसी के आने कारण होया गा। इस तरह टैक्स इंटैलीजेंट यूनिट जिहड़ा असी स्थापित किया गा जिहड़ा मैं समझदा इस साल च पूरी तरह कारशील हो जूगा और उहदे नाल वड्डी पद्धर ते टैक्स की जिहड़ी आ वो चोरी जिहड़ी आ वो भी घटी आ। पहली बार होया कि टैक्स दे अंदर जिहड़ी आ इनफोर्समेंट दे आउण दे कारण रेवेन्यू च वाधा होया गा। बिल्कुल जी तुसी दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल बहुत जल्दी जिन्नियां भी गरंटियां रहिंदियां नेगियां उन्हां सारियां गरंटियां दे उत्ते काम हो रहा गा। वैसे तो पहली सरकार आ क्योंकि एक्सपैक्टेशन बहुत हाई ने तुहाडियां भी सब दियां कि पहले साल ही सारे काम हो जाण, पर लेकिन मैं बड़े विश्वास दे नाल कहना गा कि जिहड़ियां रहिंदियां गरंटियां ने वह भी असीं पूरियां करांगे। देखो 1 करोड़ रुपया सन्मान राशि देने का वादा शायद मैं याद करा दा, असी अमर पठानकोट के जाके अरविंद केजरीवाल जी ने सरदार भगवंत सिंह मान ने साडी समुची टीम ने किया कि जेकर कोई शहीद हो जाता तो असी 1 करोड़ रुपया देवे पहले साल लागू किया।
300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा असी चंडीगढ़ के तुहाडे सामने किया सारे तुहाडे सामने किया शायद क्लब सी प्रोग्राम तो वादा असी पहले 6 महीनों के मैं समझदा वो असी पूरा किया। तीजा सीगा कि एजुकेशन के अंदर स्कूल ऑफ एविनेंस बनाने टीचरों को हायर ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजना वो असी वादा पूरा किया। महला क्लीनिक खोलण का सी वो असी वादा वो गरंटी जी पूरी की। सो बिल्कुल इस कोई शक नहीं, मैं एडमिट करता कि थोड़िया बहुत गरंटियां रहनिया ने गियां वो गरंटियां भी पूरी करांगे, पर लेकिन असी जिन्नियां बड़ियां गरंटियां ने गियां वो असी पूरियां कीतियां ने गियां। मैं ये भी दसदा कि टैक्स की जी इनफोर्समेंट तुसी गल कीती सी मंत्री साहब, मैं टैक्स इंटैलीजेंट यूनिट मैं सुन लो मैनू देखो 200 पहली 7 तो 12 किन्ना होया जी इनफोर्समेंट के राही 255.97 करोड़, 212 तो 17 किन्ना होया 414.27 करोड़, कुल किन्ना होया 670 करोड़ रुपया होया इनफोर्समेंट तो किधर किन्ने साल 10 साल। पिछले कांग्रेस की मैं गल करा 7 तो 17 तक 331 करोड़ रुपए, ठीक है जी। और साड़ी सरकार नू आई नू हजे एक साल होया गा कि असी पहले साल ही 205 करोड़ रुपया, 5 साल की गल कर रहे हैं, 205 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा वो सानू इस दे अंदरों आ चुकिया हैगा। यानी कहण दा भाव आ कि इनफोर्समेंट दी एजेंसियां दी इनफोर्समेंट वधन दे नाल करदी जिहड़ी आ वो चोरी रुकी हैगी। हाँ जी हाँ जी देखो मैं समझदा बहुत सारे खेत्र ने गे जिन्हां च लगातार सुधार हो रहा है। टैक्स की कलैक्शन GST चो भी वधूगी, साडा GST चो भी वधाउण दा टारगेट आ, साडा एक्साइज चो भी वधाउण दा टारगेट आ, साडा स्टैंप ड्यूटी होर जिहड़ियां काफ़ी सारिया स्कीमां जिहड़ियां अज्ज पाइपलाइन दे विच ने उहनां सारिया स्कीमां दी जिहड़ी आ उहनां चों असीं नवां टैक्स बिल्कुल नहीं लावांगे, नवां टैक्स नहीं लावांगे। पर लेकिन जिहड़ी चोरी हुंदी सी जिहड़ा कलैक्शन जिहड़ी रास्ते लुट लई जांदी सी उह सारी जिहड़ी आ इक इक पैसा जिहड़ा उह सरकारी खजाने च आऊगा, बिल्कुल सानूं उम्मीद आ। तुसीं देखो असी सिंकिंग कंसोलीडेट सिंकिंग फंड के अंदर असी 3000 करोड़ रुपया पिछली बार निवेश किया, 3000 करोड़ रुपया निवेश करने के नाल सानू रिजर्व बैंक वालों एक राहत मिली कि असी बहुत घट ब्याज के उत्ते असी सानू 3.75-3.5 शॉर्ट टर्म लोन जिहड़े नेगे वह मिल जाते रहे, एक बहुत बड़ी प्राप्ति आ। जे नहीं तो असी 8% से 7.5% से और ये भी साडा फायदा होयागा। असी हुण भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जिहड़े साडे पुराने लै गए करजे ने गे उन्होंने स्वैप किया जाए, सानू मार्केट लेन लोन जो हुण चल रहा है उहदे ते लैण दी आग्या होवे तां कि असी उहदा ब्याज घट जाए, क्योंकि ब्याज घटन दे नाल काफ़ी फायदा। 3000 करोड़ रुपया सिंकिंग फंड चलाया पिछली सरकार ने, पुरानी सरकार ने ये जी स्पैशल ड्रॉइंग फैसिलिटी सी ये भी सी उन्होंने 5 साल 2988 करोड़ रुपए लाए, असी विद इन ईयर 3000 करोड़ रुपए लाए। सो असी बिल्कुल इस भी इनवैसट करा, क्योंकि ये सानू ब्याज बचाने के अंदर जो तो अभी लोन ले लिया सॉफ्ट लोन लें वो सानू साडा बचत होंगी आडे जिमें जे मान लो 5 दिन 7 दिन 10 दिन कित जरूरत वो साड़ी पूरी हो जाती हैगी। सो ये मैं समझदा देखो वो एक जरूरत सी पुराने समय च काफ़ी ज़्यादा डिकलाइन होती, कोई बड़ा बड़ा मैं समझता नहीं पाया है सैक्टर की गल आ,
सो नवा टैक्स जिहड़ा हैगा वो उस किस्म का नहीं लाया जाए जी। करके पिछला यार ज्यादा हो गया तो बीजेपी नहीं मैं उधर एक एक करके पूछ लो पहली सरकार जिदे अंदर 26,797 पंजाब दे मुंडे कुड़ियां नू नौकरी मिली है। एक विश्वास का माहौल एक कॉन्फिडेंस जिहड़ा पुराने समय च लूज कर गए सी बच्चे साढ़े जिन्हों लगता सीगे साढ़े 4 साल बाद कोई एडवरटाइजमेंट आऊगी देखो पॉजिटिवनेस की आ कि साढ़े 4 साल बाद नौकरी निकलूगी वो 4 साल लगता सीगा कि असी तो रिटायर हो जाएंगे जी साडा की बनूगा। सो साढ़े 4 साल जिहड़ा सीगा वो वेट करने की जरूरत नहीं हैगी। हुण असी पहले 3 महीनों दौरान 25,000 की एडवरटाइजमेंट हुई 26,797 हो गए। सो मैं समझना एक बहुत बड़ा इतिहासिक मोड़ जिहड़ा वो पंजाब की सियासत के अंदर आया गा। सो असी पहले साल ही काम करना शुरू किया गा। सो बिल्कुल जिहड़ियां भी गरंटियां जिहड़े भी थोड़े दाखल ठीक जी जिन्ना असी टारगेट रखिया सीगा जे मैं कहां ते जी एक्साइज दा 2-4 च रखे 2-4 जिन्ना असी टारगेट रखिया सीगा लगभग असी उदे बिल्कुल करीब हाँ। हजे आ महीने का जिहड़ा हैगा 2 महीनों का हजे साडे इस महीने का खास करके क्योंकि एक्साइज दा 10 नूं आउंदा गा अज आउणा गा उहदा हजे नहीं हैगा साडे फिगर दे विच अगले महीने का आउणा गा। सो बिल्कुल जिहड़ा असी रखिया सी टारगेट लगभग सारे टारगेट जिहड़े असी उह अचीव कर रहे हां। देखो मेन जिहड़ी सबसिडी है वो पावर सैक्टर के अंदर आ लगभग 20,000 करोड़ रुपए रहण दा 20,000 करोड़ रुपए रहण दा अनुमान आ और दूसरा ट्रांसपोर्ट के खेत्र 500 करोड़ रहण दा अनुमान आ। मेन जिहड़ियां सबसिडियां इहने वो छोटियां सबसिडियां ने पर लेकिन मेन सबसिडियां है इंडस्ट्रियल पावर भी इस चीज़ सारा मिला के आ इंडस्ट्रियल का घरेलू का किसान तिना दे चलिए हूँ देखो माइनिंग जिहड़ियां माइनिंग साइट्स ने गियां वो पब्लिक दे लई लगभग 33 पहला ओपन कीतियां ने पब्लिक माइनिंग ने जिन्हां ते बिल्कुल सस्ता आ रहा और 161 जिहड़ियां ने गियां होर बड़ी जल्दी ओपन हो रही ने। सो मैं समझदा बिल्कुल उहदा जिहड़ी नवीं पॉलिसी तैयार हो रही है जिदन पॉलिसी लागू होगी तुहानूं दस देंगे आओ खाना खाइए आ जाओ।